हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास. मैं हूं आपकी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12th. और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. इसी के साथ साथ देखो, CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड. और यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करें. और मैं आपको बताऊं कि भाई फटाफट से सबसे पहले तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है. यदि अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है. हर एक चीज़ आपको डिटेल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम एक्सप्लेन करते हैं. NCERT क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि भाई अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस, MIQs, MCQs, सारी चीज़ें. तो बस चैनल से जुड़े रहना, अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट. इसमें जो हमारी पिछली क्लासेस थी वहाँ पर हमने क्या सीखा भाई, वहाँ पे हमने रूल्स सीखे है ना, कि रूल्स क्या होते हैं अलग अलग अकाउंट्स में. मैंने आपको पहले अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए, पहले आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बनाया, उसके बाद मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया, जिसमें हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे. और हर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या देखे, रूल्स देखे, क्योंकि हर अकाउंट्स के अलग अलग रूल होते हैं भाई, एक जैसे नहीं होते, ठीक है. ये मत सोचना कि एक रूल यदि याद हो गया तो मतलब हर जगह फॉलो कर देंगे, ऐसा नहीं होता. हर अकाउंट्स में आपका अलग अलग रूल होता है. वो सारे रूल्स हमने पढ़े, सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़े, और मैंने आपको एक बड़ी मज़ेदार सी ट्रिक भी बताई थी रूल्स को याद रखने की, क्योंकि भाई ज़रूरी है, रूल्स पता होना चाहिए. और इतना आसान नहीं होता उनको समझो, भले समझ लोगे पर एकदम से याद नहीं होती हैं चीज़ें, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताई, ठीक है. इसलिए आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी ट्रिक बता चुकी हूँ. यदि क्लास मिस कर दिए तो भाई पहले देखो, क्योंकि आप दोबारा ट्रिक रिपीट नहीं करने वाली मैं, है ना. कल मैंने आपको कल वाली ही क्लास में ट्रिक बताई थी, अमेजिंग ट्रिक थी रूल्स को याद रखने की, ठीक है, जिसमें आपको 5 रूल याद रहेंगे. तो यदि वो ट्रिक मिस कर दिए तो भाई बहुत बड़ा घाटा कर लिया आपने अपना, है ना. और यदि अभी भी चांस है, फायदा उठा लो, जाके वो ट्रिक दोबारा से देख लो यदि नहीं देखी है तो. और यदि देख लिए तो भाई आ जाओ फिर आज की क्लास में. क्या पढ़ेंगे आज? बैलेंसिंग एन अकाउंट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट भाई, देखा जाए ना तो ये पूरा चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट. छोटा सा चैप्टर है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, ठीक है. छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके हर एक कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है ना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको आगे तक काम आएंगे. यदि ये सब नहीं सीखा ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो आपने पूरी अकाउंट्स में समझो कुछ नहीं सीखा, ठीक है. यही आपकी छोटे छोटे बेसिक है जो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएंगे, ओके. तो चलो आज आपको एक अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट दिखाऊंगी, सारी चीज़ें पूरी पिक्चर समझाऊंगी, हर एक चीज़ बताऊंगी, अकाउंट्स बना के अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये आज हम देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर आ जाओ आज की क्लास में, एंटर कर दो, ठीक है. लाइक शेयर कर दिया, फटाफट संख्या बढ़ा दो भाई, फटाफट जल्दी से बटन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है. कर दिया भाई लाइक शेयर, तो फिर आ जाओ देख लो भाई बैलेंसिंग एन अकाउंट होता क्या है, इसका थोड़ा सा मतलब समझो, थोड़ा जनरल अपनी भाषा में समझ लो पहले, फिर इधर देखेंगे क्या लिखा है. देखो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट बनाते हैं. हमने जैसे कि पिछला मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था, वहाँ मैंने आपको बहुत सारे अकाउंट्स बताए थे, असेट का अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंस अकाउंट, लाइकवाइज आपको काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए. तो उन अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर सारी चीज़ें लिखते हैं. आखिर में जो बैलेंस होता है भाई, हमेशा इक्वल तो आता नहीं है, ऊपर नीचे आता है. कई बार डेबिट में ज़्यादा बैलेंस दिखता है, कई बार क्रेडिट में ज़्यादा बैलेंस दिखता है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, हमें ये नहीं, हमें आखिर में बैलेंस करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब दोनों साइड क्या हो जाए, बैलेंस आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन करते हैं. अब ये क्या है वो पूरा आज सिखा के जाऊंगी. आज यदि सीख लिया तो कभी लाइफ टाइम में अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना नहीं भूलोगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉन्सेप्ट. आ जाओ इसको पढ़ लेते हैं. अब क्या लिखा है,
एट द एंड ऑफ अ पीरियड, आपके जब जो समय सीमा है, जो एक पर्टिकुलर टाइम जिसके लिए आप अकाउंट्स बनाते हो, जब वो खत्म हो जाता है, जैसे कि हो सकता है आपने एक दिन के लिए बनाया, एक महीने के लिए या एक साल के लिए अकाउंट बनाया, देखा जाए तो एक साल का ही बनता है, एक दिन एक महीने का तो नहीं, क्योंकि यदि कंपनी हर दिन अकाउंट बनाती रहेगी तो भाई तो वो काम कब करेगी, प्रोडक्शन कब करेगी, सेल्स कब करेगी, है ना, और हर महीने भी नहीं करती हमेशा, या देखा जाए तो मेजोरिटी केस में यदि देखें तो कंपनी हमेशा एक साल फॉलो करती है, पूरा एक साल लेके चलती है अकाउंट्स बनाने के लिए, एक साल जब हो जाता है उसके बाद अकाउंट्स बनाती है, ठीक है। तो एक साल बाद, ठीक है, जब वो पीरियड एंड हो जाता है, कब होता है एक साल, 1 अप्रैल से चालू होता है 31 मार्च तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा एक साल होता है। इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन एन अकाउंट, साल के अंत में जब आपको पीरियड एंड हो गया है, जरूरी है कि अकाउंट का क्या बैलेंस है उसको देखना, बिना बैलेंस किए आप अगले साल पे मूव नहीं कर सकते, पहले अकाउंट्स को बैलेंस करो। देखो होता क्या है, जनरल यदि मैं बताऊँ, थोड़ा सा अपनी आपस वाली भाषा में बताऊँ, तो कंपनी क्या करती है, हर साल अकाउंट बनाए, साल का अंत हो गया, साल खत्म हो गया, अगले साल पे जाना है, अब तो ऐसे ही नहीं चले जाते अगले साल पे, पूरे अकाउंट्स को बैलेंस करो, सारे अकाउंट्स को आप वो करते हो वाइंड अप, उसके बाद वाइंड अप मतलब ये नहीं कि अकाउंट्स खत्म, नहीं, अकाउंट्स कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन फिर अगले साल में आपको बैलेंसिंग फिगर को ब्रॉड डाउन करना पड़ता है, ठीक है, मतलब पिछले साल में पहले क्या करोगे, बैलेंस को कैरेट डाउन और फिर अगले साल में बैलेंस को ब्रॉड डाउन करते हो। अब ये ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन क्या है वो सब बताऊंगी एक एक करके, तो हमें बस यहाँ इतना फोकस रखो कि क्या लिखा है कि हमें साल के अंत में बैलेंस देखना होता है हर अकाउंट का। अब बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कि एक अकाउंट का क्या बैलेंस है वो कैसे देख सकते हो, वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंस किसके बीच में, डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस, समझ रहे हो आप, डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल्स टू आपका बैलेंस, है ना, समझ रहे हो, ये क्या है आपका बैलेंस है। जरूरी नहीं है हमेशा डेबिट माइनस क्रेडिट हो, कभी क्रेडिट माइनस डेबिट भी हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो रहा हो या डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो क्या कहलाता है आपका, क्या हो गया भाई, वो कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में क्रेडिट साइड का माइनस या क्रेडिट से डेबिट, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी माइनस हो रहा हो, जब माइनस हो जाता है ना, जो डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आया वो आपका बैलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है 5, डेबिट साइड है 5, क्रेडिट साइड है 4, तो कितना आ गया बैलेंस, 1, ठीक है, 1 जो है आपका बैलेंस आ गया, तो यही होता है, बस माइनस कर दो बैलेंस हो गया, समझ गए, कोई नई चीज नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, कोई नया फंडा नहीं है अकाउंट्स का भाई, सब वही है जो आपको आता है, बस थोड़ा नजरिया अलग है, क्योंकि अब हम ये प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके आपको क्या करना है भाई, कॉमर्स पढ़ के, अकाउंट्स पढ़ के, अच्छी जगह जॉब ही तो कर रही है, अकाउंटेंट की, CA बनोगे, CS बनोगे, तो भाई थोड़ा सा आपको वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल का, ओके, तो चलो अब क्या लिखा है, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सपोज अभी क्या था, डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, मैंने एग्जाम्पल जो दिया, डेबिट में आपका 5 आया है, क्रेडिट में आपका 4 आया है, तो बड़ा कौन सा है, डेबिट बड़ा है ना, यही लिखा है ना, कि यदि टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड का टोटल 5 है, ये ज्यादा है ना, मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का तो मात्र 4 है, डेबिट साइड का तो 5 है, तो डेबिट साइड बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम बोलेंगे कि ये डेबिट बैलेंस आया है, वो जो 1 आया है ये कैसा बैलेंस आया है भाई, डेबिट बैलेंस आया है, ये समझ लेना इस चीज को, ये डेबिट बैलेंस है ना, ये DR है, डेबिट बैलेंस है, ये जो 1 आया है आपका वो डेबिट बैलेंस है, क्यों है ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि भाई डिजिट तो डेबिट साइड की बड़ी है ना, जो बैलेंस निकल के आया है वो डेबिट साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का आपका जो अमाउंट है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, इसलिए जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बस समझने वाली बातें हैं, ये एग्जाम में आपसे ये कुछ क्वेश्चन वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये सब समझने की बात है, यदि आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो ना, तो फिर ऐसा मत सोचना कि यार ये तो एग्जाम में नहीं आता तो क्यों पढ़े, नहीं, आप आगे का देख के चलो, फ्यूचर में भाई ये सब कुछ आना जरूरी है, अकाउंट ही तो बनाओगे तो जब अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या डेबिट साइड, क्या डेबिट बैलेंस, क्या क्रेडिट बैलेंस, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, कैसे बैलेंस निकालते हैं, यही नहीं पता तो फिर क्या फायदा, ठीक है, तो समझ गए, डेबिट बैलेंस मतलब जब डेबिट साइड बड़ा हो क्रेडिट साइड से, बस इतनी कहानी है। फिर क्या कह रहा है, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन, अब क्रेडिट बैलेंस कब होगा, उल्टा कर दो जस्ट, अब ये तो डेबिट बैलेंस था, अब क्रेडिट बैलेंस कब होगा, भाई जाहिर सी बात है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा और डेबिट साइड छोटा होगा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल
यहाँ है 6. अब डेबिट बैलेंस तो 1 ही रहेगा ना, 5 माइनस 6 करोगे तो 1 ही रहेगा. लेकिन अब ये जो बैलेंस है वो कौन सा हो गया भाई, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया. क्यों? क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, है ना भाई. देखो ये ज्यादा हो गया ना, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 6 बड़ा है. तो 6 कहाँ पे है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है. इसलिए अब ये जो 1 आया है ये डेबिट बैलेंस नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस. सिंपल सिंपल कहानी हो गई, समझ गए डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है. डेबिट मतलब जब डेबिट साइड बड़ा हो, डेबिट साइड का अमाउंट लार्ज हो तो डेबिट, क्रेडिट साइड मतलब जब क्रेडिट साइड का अमाउंट लार्ज हो. यहाँ पे वही लार्ज है ना, 6 आपका बड़ा है क्रेडिट साइड का है, तो 1 जो आया वो आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया. क्लियर, सिंपल कहानी है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए. समझ गए, ये होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. अब इसको कैसे बैलेंसिंग होता है वो बताऊंगी, अभी रखो थोड़ा सबर रखो. ठीक है, ये यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद देखो प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट. अब हम प्रोसेस समझ लेते हैं पूरी, कि एक अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है. ये यदि समझ लिया ना तो आपका जीवन बिल्कुल मस्त हो जाएगा. जीवन कैसे मस्त हो जाएगा, अकाउंट बनाते टाइम मस्त हो जाएगा. पूरा जीवन मस्त नहीं हो जाएगा, जब अकाउंट्स बनाओगे ना तो उस टाइम बढ़िया से अकाउंट्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी. क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे आप अकाउंट्स को बैलेंस कर सकते हो. तो आ जाओ पढ़ लो, पहले क्या लिखी है, टोटल द टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट. दोनों साइड के अकाउंट का पहले बैलेंस करो, दोनों साइड के बराबर. अच्छा चलो एग्जाम्पल से समझो यार, ऐसे बोलने से नहीं आएगा. आ जाओ एग्जाम्पल से समझो, पूरा अकाउंट बना के दिखाऊं आप कहो तो, क्योंकि भाई प्रोसेस समझानी है. तो आ जाओ पूरा अकाउंट बना के समझाती हूँ, हर चीज बताती हूँ, तो आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी. ठीक है, तो आ जाओ भाई अकाउंट समझ लो. एक अकाउंट बना के चल लेते हैं हम. आपको अकाउंट का फॉर्मेट पता है कि नहीं पता है, चलो नहीं पता तो देख लो. वैसे तो मैंने बताया था प्रीवियस वाली क्लासेस में, सब कुछ बताया है. तो यदि एक बार और बता दूं तो चलो इधर हम एक अकाउंट बना लेते हैं, इतना बड़ा ठीक है ना, ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पर चलो कोई नहीं, ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें लेके चलनी चाहिए, है ना. चलो तो ये हो गया हमारा, इसको कर दो इसका पार्टीशन. ये साइड क्या है, डेबिट, और ये क्या है, क्रेडिट. भाई लाइन सीधी खींची है कि नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं भाई. अब सीधी है क्या, चलो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, है ना. अब सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ याद है अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, फटाफट से मुझे बताते जाना आप लोग. ठीक है, कमेंट्स में लिख देना कि ऊपर क्या क्या लिखते हैं हम, पूरा बताऊंगी आज मैं आपको कि एक अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है. चलो भाई कितनी फटाफट बन रही है यार टेबल, कोई स्केल स्केल की ज़रूरत ही नहीं है. वाओ, आप सोच रहे होंगे हमारे साथ भी काश ऐसा हो जाता ना, कोई बात नहीं, आप लोग स्केल से बनाया करो, स्केल और पेंसिल से. चलो तो ये ऐसे ही रहता है हमारा अकाउंट, है ना. ऊपर हम अकाउंट का नाम लिख लेते हैं, जो भी हमारा अकाउंट रहता है. सपोज करो कोई भी अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल, कुछ भी ले लो, कुछ भी आपका अकाउंट है. चलो मान के चल लो कैश अकाउंट है, है ना. क्या है, कैश अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल. अब मुझे बताओ क्या लिखते हैं हम अकाउंट्स के अंदर, भाई इधर क्या लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर JF, यहाँ पे अमाउंट. अमाउंट काय में लिखते हैं, रुपीस में लिखते हैं, है ना. डॉलर में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम इंडियन है, अमेरिकन तो है नहीं, तो अमाउंट्स काय में लिखेंगे, रुपीस में. फिर ये तो हो गया क्या, डेबिट साइड, बढ़िया से यहाँ डेबिट लिखा करो और यहाँ पे बढ़िया से क्रेडिट लिखा करो. हैबिट बनाओ ये सब लिखने की, ठीक है ना, जैसे मैं बना रही हूँ, हैबिट बनाओ हर चीज. अब कुछ बच्चे होते हैं ऊपर कुछ लिखेंगे नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट. भाई अपनी जो आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो. अंदर कुछ हो ना हो, अंदर आता हो नहीं आता हो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, ताकि जो चेक करने वाला दूर से देख के समझे कि चलो बच्चे को आता है कम से कम. कुछ नहीं तो फॉर्मेट बनाना तो आता ही है, अंदर आए ना आए कुछ, लेकिन बाहर से प्रेजेंटेशन बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए आपकी. ठीक है, तो ये हो गया एक पूरा साइड. अब अगला साइड क्या कहेगा आपका, अगेन भाई डेट, पार्टिकुलर JF और अमाउंट रुपीज में. चलो बन गया टेबल, समझ गए बन गया टेबल. अब देखो सपोज कर लो आपने कोई भी अमाउंट्स यहाँ पे कुछ भी डेट वेट आपके, सपोज करो कोई भी डेट है, कोई भी डेट थी, आपने क्या किया, कुछ आपके कैश में कुछ चीज़ें आपकी साइड आई डेबिट साइड, कुछ चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पे आई. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, कोई भी ट्रांजेक्शन मान लो भाई एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड आपके ट्रांजेक्शन है इस साइड, और इस साइड आपके कोई पर्टिकुलर है ABCD, ठीक है, इस साइड आपके 3 ट्रांजेक्शन है, इस साइड आपके 4 ट्रांजेक्शन हुए, इसके कोई भी अमाउंट मान लो, चलो इसका मान लो 100 रुपये हुआ, चलो येल्लो कलर से लिख लेते हैं,
ये मान लो 100 रुपए का अमाउंट है, ये 200 रुपए से ट्रांजेक्शन हुआ, ये 500 से ट्रांजेक्शन हुआ, अमाउंट हो गई है। अब उस साइड भी कुछ ऐसे ही मान लो, ये 100 रुपए से हुआ, ये 200 से हुआ, ये अगेन 100 से हो गया, और ये तीन थोड़ा थोड़ा नीचे लिख ले भाई, एक के सामने सामने लिख लो। वही मैंने अभी बोला ना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेशन में लाइन ही मिट गई, रुक जाओ। चलो, लग रही है अच्छी प्रेजेंटेशन? तो यहाँ पे बस इतना बता रही हूँ कि ये कोई भी आपके अकाउंट्स है, सेल्स अकाउंट जो भी मानना हो, यहाँ पे कुछ अकाउंट्स हैं आपके, यहाँ कुछ अकाउंट्स बने हैं, और आपके क्या है, अमाउंट्स हमने लिख के रखे हैं। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो क्या लिखा था, स्टेप पे आ जाओ। क्या स्टेप बोली थी, टोटल द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। दो साइड्स आपको पता ही है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो आपसे क्या बोला है, दोनों साइड्स को पहले टोटल कर लो, है ना, दोनों साइड्स का टोटल। तो देख लो यहाँ पे, ये दो साइड्स है, एक ये है एक ये, दोनों का टोटल करो। अब चलो यहाँ कितना हो गया आपका, देखो 5, 6, 7, 8, 800 हो गया। तो चलो यहाँ पे लिख लो छोटा सा 800। अब उस साइड कितना है आपका बैलेंस, देखो 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 700। दोनों साइड का मैंने टोटल कर लिया। पहली प्रोसेस ने बोला था मुझसे कि इधर का भी टोटल कर लो, उधर का भी टोटल कर लो, ये आ गया 800, वो आ गया 700। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना भाई, ये 800 वो 700, ये दोनों बराबर नहीं है। हमें लेकिन बराबर करने हैं, हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब आ जाओ। पहली प्रोसेस तो यही कहती थी जो मैंने कर दिया, दोनों को टोटल कर दिया। अब दूसरी प्रोसेस समझ लो, दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल ऑफ द टू साइड्स, द डिफरेंस इज द बैलेंस। अब ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है कि दोनों साइड का डिफरेंस निकालो। दोनों साइड का जो आपने अभी टोटल निकाला है ना, वो दोनों साइड का जो टोटल निकाला है उनका डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे भाई, ये देखो, ये 800 आया था, 700 आया था, दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दो। 800 में से 700 को माइनस कर दो, कितना आया, 100। कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो दोनों का जो बैलेंस आएगा 100 आएगा। तो देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा था ना, इसको आप यहाँ नहीं लिखोगे बेसिकली, मैं तो बस समझाने के लिए लिखा है इसको। बस आपको रफ में, जहाँ रफ में आप कैलकुलेशन करते हो, वहाँ रफ में टोटल डाल लेना है ना। अभी इधर ऐसे अकाउंट्स में मत कर देना, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि देखो भाई जगह तो इधर नीचे है, चलो मैं नीचे कर लेती हूँ। तो इधर टोटल दोनों को कितना आया था, 5, 6, 7, 8। चलो इधर मान लो ये दोनों का टोटल 800 आया था, है ना, और इधर दोनों का टोटल 7 ही आया था ना, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तो चलो ये हो गया था। अब इनने मेरे को क्या बोला था, देखो स्टेप में क्या बोला था, हमें डिफरेंस निकालो दोनों साइड के टोटल का। तो दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस कितना है भाई, 800 माइनस 700, तो डिफरेंस आ गया 100, 100 आ गया, 100 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब चलो हमने निकाल लिया भाई, सेकंड वाली स्टेप ने बोला कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो, हमने निकाल लिया, दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी क्या बोल रही है, हाँ, तो ये जो डिफरेंस आया है ये आपका बैलेंस है, ये जो 100 रुपए आया है ना, ये आपका बैलेंस अमाउंट आ गया। इसको आप बैलेंस अमाउंट क्यों बोल रहे हो ये बताओ, ये जो 100 रुपए है ये बैलेंस अमाउंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि भैया इसी से तो अब हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, क्योंकि 100 रुपए जो आए हैं वो कहाँ कम पड़ रहे हैं, यहाँ कम पड़ रहे हैं ना, ये तो 800 है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 100 हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो दोनों 800-800 हो जाएंगे। तो ये अमाउंट वो है जिसकी वजह से दोनों साइड बैलेंस हो पा रही हैं, यदि इसको नहीं लोगे तो दोनों साइड बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यही वो अमाउंट है जो क्या कर रहे हैं हम, जिसकी हेल्प से बैलेंस कर रहे हैं हमारे अकाउंट को, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एंटर द डिफरेंस इन द साइड विथ शॉर्टर टोटल। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट आया है ना 100 रुपए, इसको आपको लिखना है, कहाँ लिखना है, जहाँ पे शॉर्टर अमाउंट है। शॉर्टर अमाउंट कौन सा है, 800 छोटा है या 700 छोटा है, शॉर्ट कौन सा है, 700 छोटा है ना, ठीक है। तो इस साइड पे अब आपका क्या लिखोगे, ये 100 रुपए वहाँ पे लिखोगे। नाउ द टोटल ऑफ टू साइड्स विल मैच, फिर क्या होगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आओ उसको देखो। अब देखो 100 रुपए कहाँ कम पड़ रहे थे, यहाँ कम पड़ रहे थे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कहीं भी 100 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना कम पड़ रहा था, 100, तो यहाँ पे लिख दो 100। अब दोनों को बराबर करोगे तो क्या बराबर आएगा, दोनों को टोटल करोगे भाई, ये भी 800, यहाँ 100 कम पड़ रहे थे क्योंकि 700 आ रहा था, 100 कम पड़े थे, हमने 100 क्या कर दिया, बैलेंस कैरिड डाउन कर दिए, तो हमारा टोटल यहाँ पे भी 800 हो गया, यहाँ पे भी। तो अब कर दो टोटल दोनों साइड की, ये टोटल हो गए 800। चलो अब इसको हटा देंगे, ये हमको ये जो काम है ना ये रफ वर्क में करना है, अकाउंट्स में नहीं करना, ये काम हमको रफ वर्क में करना है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने हटा दिया, तो हमारा टोटल यहाँ पे भी कितना आ गया, 800 आ गया,
और वहां पे भी. अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. ये 800 आ गया और यहाँ पे भी हमारा 800 आ गया. क्लियर? तो ये हो गया क्या हमारा दोनों साइड बैलेंस. इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट. कैसे किया? ये जो 100 रुपए की हमें क्या हो रही थी, शॉर्टेज आ रही थी, इसको हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख दिया. अब क्या, अकाउंट्स तो खत्म, साल खत्म, लेकिन अभी अकाउंट्स अगले साल ट्रांसफर होंगे. तो जब अकाउंट्स अगले साल ट्रांसफर होते तो ये जो बैलेंस होता है ना, ये वाला, इसको हम अगले साल में क्या कर लेते हैं, ब्रॉड डाउन. ये था कैरेट डाउन, सीडी मतलब कैरेट डाउन, और इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे अगले साल में. सपोज करो ये आपका 2024 है, ठीक है, ये 2024 की इन्फॉर्मेशन है. अब आप आ जाओगे 2025 में, है ना, अगले साल 2025 में जब आप पहुंच जाओगे तो यही बैलेंस को क्या करना रहेगा आपको, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है. इसी को, अच्छा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको क्या करोगे यहाँ पे 2025 में करोगे क्या, बैलेंस ब्रॉड डाउन. कितना करोगे, वही 100 रुपये जो हमने बैलेंस के लिए यूज किया था, वही 100 रुपये क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे, और फिर नए साल में जो भी एंट्री होगी वो इसके नीचे से चालू कर दोगे. क्लियर? समझ गए? यही होता है बैलेंस ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं करना होता है, बस क्या लेना है, दोनों साइड का टोटल जो भी डिफरेंस आ रहा है. यदि इस साइड पर आ रहा है, ये हो गया आपका क्या, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इस साइड पे हमने क्या लिखा, डिफरेंस. अब मुझे बताओ लार्जर वैल्यू कहाँ आई थी, 800 रुपये लार्जर यहाँ पे आई थी, वहाँ की तो 700 थी. तो जहाँ लार्जर वैल्यू आती है आपका जो बैलेंस होता है वो कहाँ का कहलाता है, जैसे यहाँ लार्जर आई थी तो आपका बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है. और यदि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आती है तो क्या कहलाता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है. अभी के केस में यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आई थी, 800 आए थे ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है. बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, 100 रुपये जो एक्स्ट्रा थे, सॉरी नॉट एक्स्ट्रा, 100 रुपये जो हमने बैलेंसिंग के लिए यूज़ किए उसको हमने वहाँ लिखा, क्योंकि शॉर्टेज उस साइड थी, क्रेडिट साइड पर. क्लियर? तो समझ गए, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस को ब्रॉड डाउन करते हैं. क्लियर? समझ गए? चलो, तो ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गई, तीनों हमने देख ली प्रोसेस. क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आगे बढ़े. ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स. ठीक है, चलो, ये टॉपिक कहता है सम अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंस एंड सम क्रेडिट बैलेंस. भाई ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो कभी डेबिट बैलेंस आता है, मतलब कभी डेबिट साइड का ज्यादा दिखेगा. अभी जो हमने अकाउंट देखा, बना के देखा था, वहां पे यही देखा था, उसमें तो जो था वो ठीक था, लेकिन कई बार जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो या तो डेबिट साइड ज्यादा दिखेगा आपको या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा दिखेगा. तो यदि डेबिट साइड ज्यादा है मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस. तो भाई यही चीज है कि कुछ अकाउंट आपको डेबिट बैलेंस दिखाएंगे तो कुछ अकाउंट आपको क्रेडिट बैलेंस भी दिखाएंगे. तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस इज ईदर एन असेट. यदि आपके पास डेबिट बैलेंस आया है तो मतलब या तो वो असेट में आया है, मतलब असेट हो गया आपके लिए, जैसे कि कैश, बैंक एक्सेट्रा, ठीक है, डेबिट बैलेंस होना मतलब असेट, या फिर और एन एक्सपेंस, या फिर आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है जैसे कि सैलरी वगैरह, रेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. तो यदि डेबिट बैलेंस है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने क्या देखा है कि यदि आपके पास एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या असेट बढ़ रहे हैं तो ये आपका डेबिट में आता है. यही बताया मैंने, जो रूल बताया था कि डी जो आपका ए और ई होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है. असेट और एक्सपेंस यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहे हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी शायद पिछली क्लास में बताई थी, राइट? तो आपने यदि क्लास देखी होगी तो आपको ज़रूर ट्रिक पता होगी जिसमें मैंने क्या बताया था कि यदि आपके असेट और यदि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे. तो वही बात है कि डेबिट बैलेंस मतलब या तो असेट बढ़ रहे होंगे या फिर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे, क्योंकि असेट और एक्सपेंस में ही क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि ए और ई क्या होते हैं आपके, डीआई मतलब डेबिट होते हैं. मतलब यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो असेट को और एक्सपेंसेस को. पहला पॉइंट हो गया. फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ क्रेडिट बैलेंस शोज द इंक्रीज इनकम अर्न्ड और लाइबिलिटीज और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. फिर अगली चीज़ क्या बोल रहा है कि यदि क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या दिखा रहा होगा कि यदि आप या तो आपने इनकम अर्न करी है, ठीक है, आपने क्या करी है, इनकम अर्न करी है, या फिर लाइबिलिटी है, या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. कैपिटल मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, यही बताया था ना मैंने कि बाकी सब ए और ई मतलब असेट और
एक्सपेंस को छोड़ के क्या बचा? आपका रेवेन्यू बचा, आपकी लायबिलिटी बची और आपका कैपिटल अकाउंट बचा. पांच अकाउंट होते ना मॉडर्न, जो मैंने आपको वो बताए थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पांच बताए थे. क्या क्या? असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, ये पांचों बताए थे. तो इन दोनों में तो क्या है, यदि डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बाकी सब डीडी है, मतलब यदि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे होता है. यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख लो कि यदि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, और यदि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है. ये मैंने बताया था इन तीनों अकाउंट में, तो वही बोल रहा है इनकम मतलब वही रेवेन्यू, लायबिलिटी और जो कैपिटल है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल, ये सब क्या हो रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं. क्योंकि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में ही लिखाते हैं, ठीक है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में हम शो करते हैं. लेकिन यदि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मतलब असेट और एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं भैया. समझ गए, है ना, ये ट्रिक है, रूल्स को याद करने की ये ट्रिक बताई थी, उसके हिसाब से मैं आपको ये वाला स्टेटमेंट समझा रही हूँ, है ना. जिसको वो ट्रिक पता होगी, नहीं पता है तो भैया प्रीवियस क्लास में चले जाओ, ये वाली ट्रिक पहले सीख लो. बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, पांचों रूल्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के पांचों रूल बढ़िया से याद हो जाएंगे यदि ये ट्रिक पता होगी तो, ठीक है. तो भाई क्या बता दिया था मैंने आपको कि यदि असेट और एक्सपेंस इंक्रीज है मतलब क्या हो रहा होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा होगा. वही बोला यहाँ पे कि डेबिट बैलेंस क्या बता रहा है, असेट और एक्सपेंस का इंक्रीज होना. अगली चीज क्रेडिट बैलेंस कब बताएंगे, जब आपके क्या इंक्रीज होंगे, रेवेन्यू, लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस बताएगा. क्लियर, यही दो पॉइंट है सिंपल से. समझना आसान हो गया यदि ये ट्रिक पता होगी तो, जो मैंने बताई थी प्रीवियस क्लास में, देख लेना और लाइक शेयर भी कर देना भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो. फिर आगे क्या बोल रहा है, बैलेंसिंग एन अमाउंट इज नेसेसरी टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन पोस्टेड टू दैट अकाउंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. भाई जरूरी है ये बैलेंसिंग निकालना हर अकाउंट में, भाई अकाउंट का बैलेंस कितना आया, क्योंकि हम क्या करते, हमारा बिजनेस एक ही साल के लिए तो है नहीं कि बस आखिरी में जो आया सो आया, हम बिजनेस को सालों साल कंटिन्यू रखते हैं. तो इस साल जो बैलेंस आया उसको अगले साल पर तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे ना, जब वो बैलेंस निकालेंगे, है ना. देखना पड़ेगा ना डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस आया, फिर उस पर्टिकुलर डिफरेंस को, इसको जो हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, उसको अगले साल पे लेके जाना पड़ता है, ठीक है. तो इस हिसाब से हम इसीलिए क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि सारे ट्रांजेक्शन का क्या नेट इफेक्ट आया है, राइट, क्या नेट इफेक्ट आया है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर, यही है आपका बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट. आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया. कुछ चीज़ें बताई डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और रिलेटेड, अभी ये सब कुछ थ्योरेटिकली समझ लिया आपने, आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अभी एक अकाउंट बनाकर भी मैंने आपको समझा दिया और अभी भी नहीं आया, सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इस चैप्टर के इतने ही कॉन्सेप्ट थे. अब बारी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन की. अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अगली वाली क्लास में. तो भैया सेम यही टाइम पे अगली क्लास में भी आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब बारी आ जाएगी क्या उनको अप्लाई करने की एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, ठीक है. तो अगली क्लास में बिल्कुल आ जाना टाइम से, क्योंकि आप इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भूलना नहीं है, अगली क्लास में आ जाना है, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चंस या आप जो क्वेश्चन की हमारी स्टार्टिंग रहेगी अगली क्लास से रहेगी. तो बिल्कुल भाई इसी समय इसी जगह आपको आना है, उपस्थित होना है क्लास में, बुक कॉपी पेन सब लेके आना, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही. एज यू ऑल नो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, राइट. सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड. इसी के साथ वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको लेना है तो आप बड़ी आराम से मैग्नेट ब्रेन से ये कोर्स भी ले सकते हैं. क्रैश कोर्स हम आपको रिविजन के लिए प्रोवाइड करते हैं. ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं. अब भाई कोर्स कहाँ से देखें, तो यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो. तो तीन ऑप्शन है, कहीं से भी कोर्स देख लो, पर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही देना. आज की बढ़िया सी जो वीडियो थी इसमें हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा. बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये हमने सीख चुके हैं, राइट. तो लाइक शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई यहाँ पे भी जाके हमें फॉलो जरूर कर देना. सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग.